एक्चुअली मैं पानी लेने जा रहा था. तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज सुनी तो बस चेक करने आ गया. हाँ, मेरे कमरे से कैसी आवाज? मैं तो बस सोने जा रही थी. नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने युवराज की आवाज सुनी. नहीं, कहाँ है युवराज? मैं तो टीवी देख रही थी. शायद उसकी आवाज, आप कंफ्यूज हो गए होंगे. इट्स ओके. सो गुड नाइट. गुड नाइट. देखा कितना अजीब है. रात को जाग जाग के भूतों की तरह घर में भटक भटक के चेक करता है कि घर में हो क्या रहा है. सो वियर्ड ना. ये जो भी है बहुत स्मार्ट है. हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है. हमें रॉकी के खिलाफ कुछ रॉक सॉलिड प्लान प्रूफ की जरूरत होगी. एक बार रॉकी का राज पता लग गया उसके बाद वी विल हंट हिम आवर वे. आओ बेटा बैठो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थैंक यू. ट्विंकल, वो जो पेनल्टी केस मैंने तुम पर किया था, मैं उसके बारे में सोच रहा था. आई थिंक आई वॉज रियली हार्श एंड अनफेयर, इसलिए अब मैं वो केस वापस ले रहा. थैंक यू सो मच. दैट वुड बी ग्रेट. और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आई रियली वॉन्ट कि मेरी वेडिंग प्लानर तुम ही रहो. श्योर, वो तो बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच रॉकी. थैंक्स अ लॉट. इट विल बी फन. किडनैपिंग की टॉर्चर एंड यूवी की पूरी फैमिली की नजरों से गिरने के बाद मेरा रिवेंज अभी भी खत्म नहीं हुआ ट्विंकल. अब तुम्हारी बारी. वैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने घर वापस जाना चाहिए. वैसे भी आप लोगों का काफी स्पेस ले लिया है मैंने. Oh my God, अगर रॉकी यहाँ से चला गया तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा. मुझे किसी भी तरह रॉकी को रोकना होगा. नहीं रॉकी, ऐसे कैसे? आप बेबे मम्मी जी, आप बोलिए ना रॉकी को कि वो ना जाए. रुक जा, तेरे व्याह तक रुक जा. अरे कोई गल नहीं, साडा दिल बहुत बड़ा है. हाँ रॉकी, तुमने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हमें शुक्रिया अदा करने का तो मौका दो. Yes, of course. जो तुमने किया है वो तो कोई अपना ही कर सकता है. जी. Excuse me. यूवी, कहाँ है तू? मैंने अभी रॉकी के घर की सर्च शुरू करी. उसे वहां पे बिजी रखना तब तक. होपफुली मुझे यहाँ पे उसके पास रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए. वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात. हाँ बोलना. तू अपना ध्यान रख. कोई फालतू का रिस्क मत लेना. कोई जबरदस्ती का स्टंट मत करना, समझा? Your wish will always be my command. ठीक है, चल बाय. बाय ट्विंकल. तेरू की होया है पुत्र? मैंनू लगा तू एक बारी युवी दे नाल गल तो करने की कोशिश करेगी, पर तू कल से उसे मिली तक नहीं है. तो युवी नू डाउट क्यों कर रही है पुत्र? माँ, मैं सॉरी माँ, मैं आपसे सच छुपा रही हूँ. लेकिन अगर रॉकी को युवी और मेरे प्लान की हिंट भी लग गई ना तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा. अब तू क्या सोच रही है पुत्र? तेनू पता है युवी तेनू कितना प्यार करता है. अरे उसने क्या कुछ नहीं किया तेरे वास्ते. वो कितने खतरे मोल लिए तेनु बचाने के वास्ते, जानती है? वो सब नाटक था. माफ कीजिए लीला जी, मैं आप दोनों के बीच बोल रही हूं. लेकिन यूवी और ट्विंकल की शादी कराना मेरा फैसला था, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी.
यूवी तो ट्विंकल के लायक ही नहीं है, वो तो भरोसे के लायक नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? इन 5 सालों में यूवी ने हम सब के वास्ते क्या कुछ नहीं किया है? उसने खुद को बदला, उसके इतने सारे सैक्रिफाइसेस आप कैसे भूल सकती हैं? वो मेरी भूल थी। यूवी जैसे शैतान को ट्विंकल की जिंदगी में दोबारा लाने के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। तो भूल गई थी कि यूवी वो आस्तीन का सांप है जो बस मौके की तलाश में रहता है। वो अपनी माँ अनीता के अलावा किसी का सगा नहीं हो सकता। माफ कीजिए उषा जी, मैं इस गल से सहमत नहीं हूँ। अगर कुछ के बाद मैंने ट्विंकल के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है तो सिर्फ यूवी की वजह से है। मैंने यूवी पर पूरा भरोसा है। बस ये आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं लीला जी। मम्मी जी माँ प्लीज, आप प्लीज परेशान मत हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ अपने घर में रहूंगी अपने परिवार के साथ। और माँ मुझे इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज। तो रॉकी की पब्लिसिटी मटेरियल के अलावा कुछ और है ही नहीं। हाय रॉकी, तुम कहीं जा रहे हो? एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजर को कॉन्ट्रैक्ट देना, बस घर जाकर कॉन्ट्रैक्ट उठाकर तनाल को मीट है। मैं एक्चुअली तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम्हें थोड़ा टाइम पल्लवी के साथ स्पेंड करना चाहिए। तुम क्यों ना उसे एक अच्छे से डिनर पे लेके जाओ, एक रोमांटिक डिनर डेट, और कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में भी हो सकता है ना। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट आई क्वाइट लाइक योर डिनर आइडिया। ट्विंकल तुम एक काम क्यों नहीं करती, ये डिनर मेरे घर पर ही क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करती? एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। शिकार तो होंगे, वो भी 2, यानी मैं और यू। अब यूवी को कैसे बताऊं कि रॉकी अपने घर के लिए निकलने वाला है? So, चले? या। रॉकी मुझे लेकर अपने घर के लिए निकल रहा है, तू वहां से निकल। उस चाबी के थ्रू मुझे कोई क्लू मिल जाए, कोई प्रूफ। आई होप यूवी ने मेरा मैसेज पढ़ लिया हो और वो वहां से निकल गया। बाबा जी अब सब कुछ आप ही के हाथ में, बचा लेना प्लीज। हो ना हो, मुझे कोई ना कोई सुराग यहां से जरूर मिलेगा। जी शर्मा जी, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आता हूं। डोंट वरी, द डील इज ऑन। यस, यूवी तो दिख नहीं रहा, आई थिंक चला गया। थैंक गॉड। अभी भी अंदर ही है, रॉकी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, उसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। रॉकी,
मुझे एक आइडिया आया था, मैंने सोचा तुमसे शेयर करूं। क्यों ना तुम पल्लवी के लिए कुछ और भी स्पेशल करो, क्यों ना तुम उसके लिए अपने हाथों से डिनर बनाओ। यू नो रॉकी, दिल से बनाई हुई चीज ना सीधा दिल तक पहुंचती, भले से फिर वो रेडी टू मेड नूडल्स ही क्यों ना तुम बनाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा उसे। फाइनली कौन स्टाइल स्पेशल नूडल्स रेडी। लगता है मेरी बातों का रॉकी पे काफी असर हो रहा है, कितने स्ट्रेस में दिख रहा है ये। नहीं ट्विंकल, मुझे सिर्फ बॉक्सिंग आता है, कुकिंग नहीं। नो प्रॉब्लम, तो फिर तुम उसे एक अच्छी सी लॉन्ग फ्लोई ड्रेस गिफ्ट करो, उसकी फेवरेट कलर में। इसको चुप कराना हो, वरना गलती से मेरे मुंह से अगर कुछ निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ट्विंकल, आई थिंक ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इट्स नॉट मी। मैं काम करता हूँ, पल्लवी को सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट लेकर जाता हूँ, आई थिंक शी विल बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। तो उसी रूम में जा रहे हैं जहाँ यूवी से रोकना होगा। रॉकी, रॉकी है बड़ा शातिर, कोई सुराग कोई क्लू नहीं छोड़ा। क्या करूं, कहां से क्लू ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। What the hell? रॉकी, मेरे पास ना और भी बहुत सारे आइडियाज है पल्लवी को इंप्रेस करने के लिए। No, I think restaurant is good. अब the hell is this? कि कुंजो ट्विंकल की पर्सनल फोटोज इस रॉकी के वॉल पे है। कौन ही रॉकी, कौन से क्या नाता है इसका? अरे कितने लेजी हो तुम, ट्विंकल की आवाज फट नहीं करना चाहते अपनी रॉकी को इंप्रेस करने के लिए? सीरियसली रॉकी, वेरी बैड। धीरे, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? अचानक से तुम्हारे गले में लाउड स्पीकर कहां से लगा? सॉरी। ये आवाज कैसे? बच्ची प्लीज यूवी को बचा लो। थैंक यू बाबा जी, आज आपने बचा लिया। गॉट इट, चले। ये देख, ये भी देख, दिस टू। गॉड यूवी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पिक्चर्स रॉकी के पास कैसे, तो मेरे और कुंज के इतने पर्सनल पिक्चर्स थे यूवी,
क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? Even I'm shocked. मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ यार. उसने जैसे तेरे और कुंज के नाम का श्राइन बना रखा था वो. I think he's obsessed with you, Twinkle. यूवी, कुछ तो बहुत बड़ा कनेक्शन है. या तो वो कुंज को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि उसके पास हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं, या फिर रॉकी कुंज. ट्विंकल, आई मीन तू ये कुंज कैसे, हम आई मीन रॉकी कुंज कैसे? अरे ट्विंकल, हम आप गोवा में थे जब वो डाइवर्स, वो पुलिस ऑफिसर सब ने यही कहा कि कुंज, आई मीन तो समझ रही हूँ. हाँ यूवी, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट. इनफैक्ट मैं खुद समझ रही हूँ कि ये थ्योरी इम्पॉसिबल साउंड करती है. लेकिन तू खुद सोच, रॉकी की आदतें, उसकी हरकतें, उसकी पसंद नापसंद, इनफैक्ट उसकी एलर्जीज तक कुंज से मिलती हैं. कितनी सिमिलैरिटीज हैं. यूवी, मैं खुद नहीं चाहूंगी कि रॉकी जैसा घटिया इंसान मेरा कुंज निकले. लेकिन कोई तो कनेक्शन है जो हमें पता लगाना होगा कुछ भी करके. यू राइट. सो तो करना क्या चाहते? यूवी, मैं कुंज की बीवी थी और एक पत्नी से ज्यादा अपने पति को कोई अच्छे से नहीं जानता. कुंज की चेस्ट पे एक बर्थ मार्क था. अगर वो सामने आ जाएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी. ट्विंकल, तो ये कैसे करना तो होगा ना. सो यू टेल मी, तो करना क्या चाहती है? व्हाट डू यू वांट टू डू? वेडिंग थीम के डिजाइन लाई थी, तुम देख लो. क्यों आई? ओके. रॉकी, बहुत दर्द हो रहा है. आराम से. रॉकी, बहुत दर्द हो रहा है. आई थिंक मोच आ गई. तुम प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, तुम मुझे रूम में छोड़ दोगे? या ऑफ कोर्स. आराम से. चेस्ट पे बर्थ मार्क तो नहीं है? आप, बहुत दर्द हो रहा है. इट्स ओके, संभाल कर. I'm so sorry. तुम्हें और चोट तो नहीं लगी ना? It's all my fault. लौट के मैच के टिकट. पल्लवी, मेरी बात तो सुनो.
जब रॉकी ने मुझे छुआ तो उसका एहसास मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगा, जैसे मुझे मेरे कुंज ने छुआ।